जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ममना सुहेल है और मेरा सवाल मैम जुगनू मोहसिन से है आप पॉलिटिशियन है और आप बहुत से फ्लाई काम करती हैं तो इन सब को एक साथ मैनेज आप कैसे कर लेती हैं जब एक काम के लिए लगन हो तो उसके लिए वक्त बन जाता है और मैं बड़ी लगन से काम करती हूँ जब मैं वुमेंस एमपावरमेंट करती हूँ ख़वाीन के लिए मैंने अल्लाह की मेहरबानी से अपने गाँव में मौाक़े पैदा किए जिसके साथ वो उनका रोज़गार चलता रहे बाजत तरीके से और फिर मेरा कम्यूनिटी वर्क और मेरी सियासत भी एक कम्यूनिटी वर्क ही है वो सियासत इस तरह की नहीं है कि वो यू you नो know, जमुरी अकदार येस ह्यूमन राइट्स येस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन येस बट साथ साथ लोगों की एमपावरमेंट उनको बाख्तियार करना वो सारा एक ही चीज़ है तो मैं बड़े लगन से ये काम करती हूँ मुझे बड़ा शौक है असलम मेरा नाम नोीन फातिमा है मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि आपका पॉलिटिक्स में काफ़ी रुझान है तो मुल्क हालात किस तरफ जा रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में नौरी मैंने इसका ख्या मेरा ख़्याल जवाब पहले ही दे दिया है कि मुझे मायूसी है बहुत मायूसी है देखें जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल उसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते यहाँ पर अयूब खान के दौर के बाद एक मुस्बत पॉपुलेशन प्रोग्राम चला ही नहीं और उसकी सौ वजूहत हैं लेकिन ये काम ये फैसला तो रियासत को करना है कि जी हमने ये प्रोग्राम करना है और इसके पाई तकमील तक ले जाना है और सियासतदानों को साथ लेना है फिर अब देखें जिस मुल्क में ग्रोथ रेट मनफी हो और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो 2.7 2.9 सेवन या 3 परसेंट तो वहाँ पर क्या तरक्की होनी है और क्या खुशहाली होनी है और दूसरी चीज़ ये जो माहौलियाती तबाही हो रही है हमारे मुल्क में जो फ्लड्स आते हैं जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं जो वाटर टेबल रोज ड्रॉप होती है हमारा पानी वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री नाउ एरिड हो गया है मुल्क एरिड पहले था बहुत एरिड हो गया है और आप देखें कि जो दो दरिया जो हिंदुस्तान के से हमें जो इंडस वाटर टीटीज की तरफ से तीन दरिया हमें मिले दो उनको मिले अब आप देखें कि वो दरिया तो बिल्कुल ड्राई अप हो गए हैं और जो हमारे रहते दरिया हैं उनके ऊपर भी वो डैम्स बना रहे हैं तो ये मतलब क्या मैं कह सकती हूँ आपको बहुत मायूसी है इसीलिए तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही अगर मुझे महसूस होता कि अवाम को कुछ देने के लिए है मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ती अगर मुझे महसूस होता कि पार्लियामान जो है उसके अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो बाख्तियार हैं तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ती अगर मुझे महसूस होता कि मीडिया के बगैर मैं लोगों के काम करवा सकती हूँ और अपने सियासी समाजी असासे के बग़ैर हक पे लोगों का काम लेके दे सकती हूँ तो मैं क्यों ना इलेक्शन लड़ती ये मेरी मायूसी है जो मुझे इलेक्शन से दूर करके और फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है जो अहल हैं जो काम करने वाले हैं लोगों के कम अज कम बुनियादी हकूक का तो ख्याल रखें तो उनको फिर इंशाल्लाह मैं इलेक्शन में खड़ा कर रही हूँ बहुत Best of luck to you for the upcoming elections and whatever happens after the elections as well. Best of luck Absolute. to us as well. Best of luck to um, everyone. Jee, yeah. Thank, Thank you so much, everyone. Thank you.